हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर वन चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024। जैसे कि आप लोग का एग्जाम प्यारे बच्चों 1 फरवरी से इकोनॉमिक्स का पेपर होने जा रहा है। अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो ऐसे में आप लोग को अभी उन प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, उन प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए जो आपके एग्जाम में हूबहू आपको सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, उसी तरह का कुछ हम लोग जो है इकोनॉमिक्स के बिल्कुल गैस प्रश्न लेकर क्या है, जो आप लोग इन पूरे 100 क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आपको 100% श्योर है कि 50% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्लास को पूरी तरह से आपको एंड तक देखना है। और आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर दें, अगर सभी पेपर का आप लोग इसी तरह का तैयारी करना चाहते हैं तो। चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आ गया, जैसे कि देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को जो है किस मूल्य पर मापा जाता है। चलिए बताइएगा, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को जो किस मूल्य पर मापा जाता है, स्थिर कीमतों पर, आधार वर्ष कीमतों पर, या वर्तमान कीमतों पर, या एवर भी दोनों हो जाएगा। तो यानी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को जो है किस पर जाता है, तो वर्तमान की कीमतों पर जो है उसको यानी मापा जाता है। और इसका आंसर आप सभी का बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल प्यारे बच्चों सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्यापारिक बैंक को अपनी कुल अस्थियों के एक निश्चित अनुपात में जमा अपने पास तरल रूप से रखना पड़ता है, जिसे क्या कहा जाता है। तो उसको क्या नगद कोष अनुपात कहा जाता है? बिल्कुल नहीं, उसको नगद कोष अनुपात नहीं कहा जाएगा, उसको संविधानिक तरल अनुपात कहा जाएगा। यानी ऑप्शन आप सभी का भी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। निम्न में से कौन साख नियंत्रक यानी नियंत्रण का परिमाणात्मक यानी उपाय नहीं है? तो देखिए, साख नियंत्रण का परिणाम क्या हो जाएगा, परिमाणात्मक जो है ये उपाय नहीं है। तो याद रखिएगा, बैंक दर हो जाएगा, बिल्कुल बैंक दर नहीं होगा। ये जो आंसर होगा खुले बाजार की क्रिया हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे, यानी खुले बाजार की क्रिया हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, फोर नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न से कौन सा कथन जो है सही है? आपको बताना, बैंक दर वह दर है जिस पर जो है केंद्रीय बैंक देश के व्यापारिक बैंकों को जो है ऋण देने को तैयार होता है। बिल्कुल ये बात सत्य है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यानी बैंक वह दर, मतलब बैंक दर वह दर होता है जिस पर यानी केंद्र बैंक जो है यानी देश को जो है क्या यानी ऋण देता है, यानी लोन देता है, ठीक है, अदर कंट्री को। चलिए देखिए, बैंक दर एवं ब्याज दर दोनों में अंतर होता है, बिल्कुल सत्य है। बैंक दर के केंद्रीय बैंक को जो है पूर्ण कटौती यानी दर है, ये बिल्कुल भी सत्य है। ये सभी आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन आप लोग का डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे, बहुत बढ़िया। चलिए, जो बच्चे आप लोग डी बता रहे हैं, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल लड़ लो, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके स्क्रीन पे। देखिए, साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्न में से यानी कौन है? तो हम जानते हैं कि साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो कीमतों में यानी कीमत स्थिरता स्थापित करना बिल्कुल सत्य है, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना यह भी बिल्कुल सत्य है, रोजगार एवं उत्पादन की वृद्धि के उपाय करना, तो यह भी आपको उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, सामूहिक मांग का प्रमुख घटक बताइएगा। देखिए, सामूहिक मांग का जो प्रमुख घटक होता है वह व्यक्तिगत यानी उपभोक्ता भी होता है, सार्वजनिक उपभोक्ता उपभोग होगा, ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, विनिमय उपभोग हो जाएगा। तो यह बिल्कुल इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी, इसका भी आंसर जो होगा आपका यानी डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे मेरे लाडलो, इनमें से सभी इसका आंसर परफेक्ट है। देखिए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, एपीसी प्लस एपीएस बराबर यानी क्या होगा? तो ये फॉर्मूला होता है, 1 होता है इसका, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, आंसर आपका 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्न में से जो है वास्तविक निवेश कौन है बताइएगा। देखिए, वास्तविक निवेश के बारे में आपको बताना है, इनमें से यानी कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए, शेयर खरीदना होता है, बिल्कुल वास्तविक ये जो है मतलब निवेश नहीं है, ठीक है। भावना का निर्माण ये बिल्कुल नहीं, पुरानी फैक्ट्री खरीदना ये जो है वास्तविक निवेश कहा जाएगा, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप सभी का सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे सी बता रहा है बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन देखिएगा, विनियम की मात्रा में जो वृद्धि होने के साथ साथ यानी क्या है, क्या करता है, बढ़ता जाता है या घटते जाता है? तो घटते जाता है, इसका आंसर आप लोग का घटते जाना है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। केंद्र के अनुसार विनियोग से मतलब होता है बताइएगा। केंद्र के अनुसार विनियोग से मतलब जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक विनियोग से होता है, और बिल्कुल इसको भी आप लोग जो है प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा, यानी वास्तविक विनियोग परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्न में से किस पर निर्भर है? तो केन्स का जो रोजगार सिद्धांत जो निम्न में से किस पर निर्भर है? तो ये प्रभावपूर्ण मांग पर जो है निर्भर है, इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ये आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सेटरिस पार्टीज का क्या अर्थ होता है, जल्दी बताइएगा। सेटरिस पार्टी बस का जो क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइएगा, आपको बताइएगा। यदि अन्य बातों समान रहे, और उसके बाद यदि सभी बातें समान रहे, यदि कुछ बातें समान रहे, तो ये देखिए इसमें जो सेटरिस परिवस का जो अर्थ जो होता है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, बिल्कुल हम लोग जानते हैं, इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, यदि अन्य बातों समान रहा, ये बिल्कुल ये जो है बिल्कुल नहीं होगा इसका, ठीक है। यदि
सभी बातें समान रहे ये भी बिल्कुल नहीं होगा, यदि कुछ बातें समान रहे तो ये नहीं होगा, इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्या हो जाएगा, यानी ट्राइड इकोनॉमिक यानी पॉलिटिक जो नामक पुस्तक के लेखक है वो कौन है, जल्दी बताइएगा। देखिए ट्राइड इकोनॉमिक पॉलिटिक नाम पुस्तक के लेखक जो होगा जीवीसी हो जाएगा, तो यहाँ आपको ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, जीवीसी यानी ऑप्शन आप सभी का भी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्लासिकल यानी क्लासिकल विचारधारा इनमें से किन तथ्यों पर जो आधारित होता है, जल्दी बताइएगा। तो चलिए उम्मीद है कि इसका आंसर आपको बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए, जल्दी बताइएगा। से बाजार नियम हो जाएगा, मजदूरी दर की पूर्ण क्या लोचशीलता हो जाएगा, ब्याज दर की पूर्ण लोचशीलता हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो हम जानते इसका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी सभी का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे निम्न से जो है किसके अनुसार जो है मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में जो है पूर्ण रोजगार की जो है दशा को मतलब क्या यानी स्वाभाविक ढंग से जो बनाए रखती है, तो ये जो पीगू जो है स्वाभाविक ढंग से जो है बना के रखता है, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप सभी का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में जब विस्तार से यानी वृद्धि होगी तो बताइए अर्थव्यवस्था की उत्पादन होगा या उत्पादित यानी वस्तुओं की क्षमता में आपका आय में या इनमें से सभी। तो देखिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार से वृद्धि होगी तो अर्थव्यवस्था की उत्पादन होगा, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे गुणांक को निम्न में से किस सूत्र द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है, तो गुणांक को जो है किस सूत्र द्वारा प्रतिपादित किया जाता है प्यारे बच्चों, तो ये जी हम लोग जानते हैं, ये जो होगा पैन के बराबर त्रिभुज यानी गामा यानी वाई अपॉन यानी त्रिभुज वन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग का बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कैंस ने जो है विनियोग गुणांक का विचार यानी किससे प्राप्त किया था, जल्दी बताइएगा। तो ये प्राप्त किया था किससे, यानी कहन के रोजक यानी रोजगार गुणांक से, यानी ऑप्शन आप सभी का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है डियर, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र के विनियोग यानी क्या हो जाएगा, मुगक का मूल्य निम्न पर निर्भर रहता है, यानी किन पर निर्भर रहता है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर जो है यह रहता है, बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए अभी आज आप लोगों को जो है स्पेशल जो आप लोग ऑफर आप लोग को दिया जा रहा है सभी सब्जेक्ट का, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, साइकोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट आपका, आर्ट्स में जितने सारे सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट का नोट्स जो आपको जो 999 रुपए में हम लोग जो स्पेशल नोट्स तैयार किए थे, जो गैस नोट्स है, ये मात्र आपको 149 में मिलने वाला है। यहां से आपको 80% आपका सवाल जो है यही नोट्स आने वाला है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे 149 में। तो जो बच्चा नहीं लिया अभी तक, तो आप अगर लेना चाहेंगे तो इस नंबर पे आप जो है फोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है। ठीक है, या आपको अधिक जानकारी के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए तो डियर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो कौन सा कथन जो है सही है, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से आपको सही कथन बताना है। तो देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या गुणांक की मात्रा में सीधा वो प्रत्यक्ष संबंध होता है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, सीमांत बचत प्रवृत्ति तथा गुणांक में उल्टा संबंध ये भी होता है। क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार यहां आपसे, यानी कथन जो है कौन सा सत्य की बात करा है, यानी कौन सा कथन सही है, तो ये दोनों सही है और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था यानी 8000 करोड़ की अतिरिक्त आय का सृजन करनी चाहती है, बताइए कि कितने अतिरिक्त विनियोग जो है की आवश्यकता होगी, यानी एमपीपीएस जो है मतलब दिया हुआ है, तो ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा यानी 4 करोड़ हो जाएगा एंड 32 करोड़, यानी बिल्कुल इसका आंसर सी जो है ना परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक अर्थव्यवस्था निवेश वे में जो है 4000 करोड़ है और 4000 की वृद्धि होती है तथा जो उसमें सीमांत प्रवृत्ति 0.8 है और आय और बचत में होने वाली कुल वृद्धि ज्ञात करना है, तो इसमें जो होगा 4 करोड़ हो जाएगा। आगे देखिएगा मतलब क्या हो जाएगा, केंसियन विचारधारा के अंतर्गत आय की संतुलन पर जो है निर्धारक निम्न से यानी कौन होगा, आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, सामूहिक मांग हो जाएगा या सामूहिक पूर्ति, तो ये दोनों हो जाएगा, सामूहिक मांग एंड सामूहिक पूर्ति हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग सी सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, केंस के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय और आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर निम्न से जो है कहां स्थापित होता है, तो बताइए प्यारे बच्चों इनके बारे में बताइएगा, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो देखिए एडी बराबर एस होता है, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप सभी का सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी केनिसियन बचत निवेश दृष्टिकोण के अनुसार जो आय रोजगार संतुलन निर्धारण निवेश से किन बिंदु पर होगी, तो ये जो होता है 1 बराबर IS होता है, यानी ऑप्शन आप लोग का सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर जो है सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्न में से जो है किसमें जो वृद्धि होती है, तो इसमें जो वृद्धि होता है रोजगार में भी वृद्धि होता है एंड उत्पादन में भी होगा, आय भी होगा, तो उपयुक्त में से सभी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चालू खाते में घाटा कब होगा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चालू खाता में जो घाटा तब होता है जब प्राप्तियां लेस देन यानी भुगतान होगा, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इनमें से जो भुगतान से शेष की परिभाषा मतलब किसने दी थी, तो याद होगा आपको, यानी जो बहन के द्वारा दिया गया था, और इसका आंसर आप लोग का बी प्यारे बच्चों सभी का आंसर परफेक्ट होगा। यह विचार किसने व्यक्त किया था कि अर्थव्यवस्था साधनों के बीच जो है तटस्थ रहता है, तो ये जो किसके द्वारा कहा गया था, रॉबिन्स के द्वारा कहा गया था प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं रॉबिन्स आप लोग का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु जो है संसाधन
जो स्मितता से के क्या प्रभाव होते हैं, तो हम लोग जानते हैं सभी इच्छाएं संतुष्टि नहीं की जा सकती है। ये बिल्कुल इसका आंसर आपका ए, सभी का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। यदि सीमांत अवसर लागत सतत होती है तो उत्पादन संभावना का वक्र होगा, क्या होगा वक्र, तो हम लोग जानते सरल रेखा हो जाएगा, इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। एक वस्तु के लिए मांग का अर्थ बताइएगा, तो हम लोग जानते हैं एक वस्तु के लिए जो मांग का जो अर्थ होता है, एक निविष्ट मूल्य पर जो है वस्तुओं की मांग की गई मात्रा, यानी ऑप्शन आप सभी का डी, आप लोगों का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। जो भी बच्चे आप लोग डी बता रहे हैं आपका आंसर परफेक्ट होगा। एक सरल रेखा मांग वक्र की दशा में जो है जिसमें दोनों अक्ष मिल रहे होते हैं, तो मांग की रेखा के मध्य बिंदु पर मूल्य लोच होगी, तो याद रखिएगा वन हो जाएगा इसका आंसर आप लोगों का, वन जो बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही है। यदि एमपीसी बराबर 0.5 और आरंभिक विनियोग जो है 100 करोड़ है, तो अर्थव्यवस्था में कुल आय में वृद्धि जो होगा वो कितना होगा, 200 करोड़ का होगा। बिल्कुल याद रखिएगा कितना करोड़ का, 200 करोड़, यानी ऑप्शन आप सभी का सी राइट आंसर हो जाएंगे। यदि एमपीपीसी यानी अगर 0 बराबर 0.5 तो गुणांक के होगा, तो याद रखिएगा उसमें 2 हो जाएगा। आगे देखिएगा एमपीसी का मान जो होता है वो क्या होता है, देखिए 1 होता है बिल्कुल नहीं होता है, हम लोग जानते हैं 0 होता है नहीं, 0 से अधिक किंतु उससे कम होता है, बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। यदि अर्थव्यवस्था में जो आय का संतुलन स्तर पुनः रोजगार के स्तर से पहले जो है निर्धारित हो जाता है, तब इसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो न्यू मांग की दिशा कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग का ए, आप सबका आंसर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, केन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यू मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है, तो हम लोग जानते हैं इसमें अपूर्ण रोजगार संतुलन नाम से यानी पुकारा है, तो इसका आंसर आप सभी का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे मेरे डियर। अब देखिएगा गुणक सेट में जो सी क्या है बताइएगा, देखिए गुणक सेट में जो सी जो होता है वो उपभोग होता है, क्या होता है जी, उपभोग कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्त जो है कौन सी है, इनके बारे में बताना है, तो हम जानते हैं ये जो आंसर होगा इसका, वस्तु विनिमय प्रणाली की जो आवश्यक शर्त जो होगा, तो इसमें जो होगा मुद्रा का अभाव भी हो जाएगा, यातायात साधनों का अभाव हो जाएगा, आर्थिक रूप से पिछड़े समाज हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, एक वस्तु दूसरी वस्तु में जो प्रत्यक्ष विनियम वस्तु विनियम कहलाता है वो क्या हो जाएगा आपका, यानी ये एस ई थॉमस हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वागाहकता प्राप्त है, ये किसने कहा था, तो ये जो है सेलिगमैन के द्वारा यानी कहा गया था, और इसका आंसर आप लोगों का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये कथन किसने कहा था, तो ये हार्ट विदर्स के द्वारा यानी कहा गया था प्यारे बच्चों, ये सभी चीजों को जो आप लोग यानी नोट करते चलेगा। विश्व के सभी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तो विश्व में जितने सारे अर्थव्यवस्था है वो सभी जो है क्या हो जाएगा, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा या समाजवादी हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये समाजवादी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हम लोग समाजवादी दे सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है, ये किसने कहा था, तो ये याद रखिएगा नैप के द्वारा कहा गया था। चलिए आगे देखिएगा, न्यू मांग के उत्पादन होने के निम्नलिखित में से कारण है बताइए, कौन सा कारण होगा इनके बारे में बताइएगा। चलिए तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप सभी का आंसर परफेक्ट आंसर होना चाहिए। हम लोग जानते हैं देश में कुल मुद्रा पूर्ति में कमी, बिल्कुल सही, बैंक दर में वृद्धि से निवेश मांग में कमी, एंड करों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वे योग्य आय एवं उपभोग में मांग की कमी, बिल्कुल सही है। इनमें से सभी इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इनमें से जो कौन सा कथन सही है, तो इसका अगर कथन की सही की बात करें, मांग की कमी के कारण जो है रोजगार के स्तर में कमी हो जाएगी, ये बिल्कुल सत्य बात है। न्यू मांग के कारण जो उत्पादन का स्तर घट जाएगा, बिल्कुल सही है। न्यू मांग के कारण जो देश के कीमत स्तर में जो है कमी हो जाएगी, बिल्कुल सत्य है। तो उपयुक्त में से सभी इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। पूर्ण रोजगार के आगे सामूहिक मांग तथा पूर्ण रोजगार वाली जो है सामूहिक मांग के अंतर को व्यक्त करता है, तो ये व्यक्त किया जाता है स्फीति अंतराल के द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है, यानी ऑप्शन आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। अतिरिक्त मांग उत्पादन होने के निम्न में कारण कौन से होते हैं, है ना, इसका कारण अगर बता जाए, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि बिल्कुल सत्य है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि एंड करों में कमी, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका उपयुक्त में सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप सभी का डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। औष्पीतिक अंतराल की दशाएं बताइएगा, यानी औष्पीतिक अंतराल की दशा की अगर बात किया जाए, तो मांग में तेजी से वृद्धि बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है। पूर्ति में भी तेजी से वृद्धि एंड पूर्ति मांग दोनों में बराबर होता है, ये बिल्कुल इसका आंसर उपयुक्त में सभी मतलब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिएगा मांग में संकुचन कब होता है, देखिए मांग में जब संकुचन होता है तब जब कीमत स्थिर रहती है और मांग जो घटती जाती है, तब उस टाइम पे जो है क्या होता है, संकुचन होने लगता है। देखिए तृतीय क्षेत्र में कौन सा सेवा सम्मिलित होता है, हम लोग प्राथमिक पे हम लोग जानते हैं कि ग्रामीण लोग जो प्राथमिक क्षेत्रों में संलग्न रहते हैं, जैसे मछली पकड़ना हो गया, खनन करना हो गया, ठीक है, ये सारा जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है, खेती करना, तो ये हम लोग जानते हैं। इसमें जो सेवा क्षेत्र जो होता है वो आपको बताना चाहिए, संचार हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पशुपालन प्राथमिक में, खनन प्राथमिक में, निर्माण द्वितीय में आता है, ठीक है।
चलिए आगे देखिएगा, साधन लागत पर जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को क्या कहा जाता है, तो इसमें घरेलू आय कहा जाता है, इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं, तो देखिए स्थिर अगर कीमत रहेगा तो राष्ट्रीय आय को उसको जो क्या कहा जा सकता है, जीएनपी औसफीतक कहा जा सकता है, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर देंगे। राष्ट्रीय आय निम्न में से जो है किसे सम्मिलित किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय जो सम्मिलित किए जाते हैं वो किससे किया जाता है प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं इनमें से जो है कोई नहीं होगा, इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके स्क्रीन पे एक लेखा वर्ष में किसी देश में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसे बाजार मूल्य को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसको जो है क्या कहा जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ये दोनों नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा आपका यानी सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय परियोज्य आय की गणना निम्न से जो है किस पर होती है, तो ये जानते हैं बाजार कीमत और साधन लागत दोनों पर होती है, और इसका आंसर आप लोगों का सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये कथन किसने कहा था, ये हार्ट मतलब क्या हटले विदर्श के द्वारा कहा गया था, इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। शाख गुणांक निम्न में से कौन है, है ना, लेकिन इसका अगर बात किया जाए तो 1/CRR यानी ऑप्शन आप लोग का ए सभी का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है, तो हम लोग जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, जिसका स्थापना 1935 को हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होगा। देखिए बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में से कौन है, तो हम लोग जानते हैं इसमें राजस्व प्राप्तियां हो जाएगा यानी पूंजीगत जो है प्राप्तियां हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन आप लोग का सी प्यारे बच्चों, सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। विकासशील राष्ट्रों के लिए जो है कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है, तो विकासशील राष्ट्रों के लिए जो कौन सा बजट उपयुक्त होता है, तो हम लोग जानते हैं घाटे का बजट जो है इसमें सबसे उपयुक्त होता है, आप लोगों का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। अर्थशास्त्र के पिता कौन थे, तो बताइएगा, हम लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र के पिता जो कहा जाता है यानी किसको कहा जाता है, माल्थस कहा जाता है, बिल्कुल नहीं, एडम स्मिथ, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिएगा क्या हो जाएगा, विशिष्ट अर्थशास्त्र में शामिल जो होते हैं वो क्या शामिल होते हैं, है ना, तो उसमें छोटे छोटे चर होते हैं, व्यक्तिगत इकाई होते हैं एंड व्यक्तिगत मूल्यों का निर्धारण होता है, इसमें से आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चले डियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र चयन का जो है तर्कशास्त्र जो है ये किसने कहा था, ये हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्र चयन का जो है तर्कशास्त्र है ये किसके द्वारा कहा गया था, रॉबिन्स के द्वारा कहा गया था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं रॉबिन्स, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए किसने कहा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी रॉबिन्स के द्वारा कहा गया था, मार्शल एडम स्मिथ, तो याद होगा आपको पता होगा, हम लोग जानते हैं इसमें जो होगा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए, सभी को पता है इसका आंसर एडम स्मिथ हो जाएगा, जो भी बच्चे आप लोग एडम स्मिथ बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो है माइक्रो शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग जो इस्तेमाल किया था, रैग्नर फ्रिश के द्वारा जो इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा, रैग्नर फ्रिश हो जाएगा। ठीक है, मांग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन है, देखिए मांग जो प्रभावित करता है, मांग को सबसे अधिक प्रभावित जो होता है उपभोक्ता की रुचि के अकॉर्डिंग जो है ये प्रभावित, अगर रुचि रहेगा तो उसको क्या यानी मतलब प्रभावित नहीं करता है, अगर रुचि रहेगा तो लेगा, अगर वो अगर नहीं लेंगे, रुचि नहीं रहेगा तो उसको क्या नहीं लेंगे, तो उससे क्या होता है यानी मांग को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद क्या, आय में परिवर्तन। ठीक है, आय अगर वृद्धि हो रहा है तो मांग ज्यादा होगा उसका, अगर आय अगर कम होगा तो क्या होगा, बिल्कुल उसका मतलब मांग कम होगा। ठीक है, कीमत अगर ज्यादा रहेगा तो उससे भी मांग कम होता है, और कीमत अगर कम होगा तो मांग ज्यादा होगा, तो इससे जो है यानी मांग को यानी प्रभावित होता है, यानी उपयुक्त में से सभी इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है, तो मांग में कमी के जो कारण होता है, आय में कमी होता है, क्रेताओं की संख्या में कमी होता है, उपभोक्ताओं की रुचि में कमी होता है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, आप लोग का आंसर राइट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, मांग वक्र का ढाल सामान्य तो होता है कहां पे, बताइएगा। चलिए, तो देखिए अगर हम मांग अगर बात किया जाए, मांग वक्र का ढाल सामान्यतः जो होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर जाता है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। देखिए मांग शब्द का मतलब मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर जो खरीदी जाती है, यह परिभाषा किसने दिया था, तो हम लोग जानते हैं प्रोफेसर जो है जेएस मिल के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल इसका आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे। वस्तु की कीमत में कमी से वस्तुओं की मांग में वृद्धि एवं कीमत में वृद्धि से जो है वस्तुओं की मांग में कमी, ये कौन सा नियम है, तो ये मैंने अभी जब बताइए मांग का नियम होता है और इससे जो प्रभावित होता है ना। चलिए, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए, जो भी बच्चे बताएं बिल्कुल सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सभी जो है आप अपने हिसाब से माइंड से भी जो है इस सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो परिवर्तनशील अनुपातक का नियम संबंधित जो होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, तो अल्पकाल होता है, बिल्कुल ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उत्पत्ति यानी हास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा हो सकता है इसमें, तो इसमें साधनों की समीक्षा यानी बिल्कुल सही हो जाएगा, साधनों का अपूर्ण स्थापन होना यानी बिल्कुल सही है, ये दोनों इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दीर्घ काल में जो पूर्ति की लोच, बताइएगा दीर्घ काल में जो पूर्ति का लोच होगा वो अधिक लोचादार होता है। ठीक है, क्या होता है, अधिक लोचादार होता है, यानी ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से जो है किससे है, ये बताइएगा, तो हम लोग जानते हैं पैमाने की जो प्रतिफल नियम द्वारा होता है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, हाँ अल्पकालीन उत्पादन की दशा में जो है
यानी क्या हो जाएगा, विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक यानी उत्पादन करना पसंद करेगा, तो उसमें जो करता है द्वितीय अवस्था में जो उत्पादन करना पसंद करता है। आगे देखिएगा बाजार मूल्य का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है, तो उसमें जो होगा अति अल्पकाल से हो जाएगा, और इसको भी नोट कर लीजिएगा अति अल्पकाल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किस बाजार में जो है एकाधिकार तथा जो है प्रतियोगी दोनों का अंश पाया जाता है, तो याद रखिएगा एकाधिकारी प्रतियोगिता, यानी ऑप्शन आप लोगों का प्यारे बच्चों ये सभी का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा समिष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, व्यापार चक्रों का सिद्धांत का किया जाता है, आर्थिक विकास का सिद्धांत का किया जाता है, सामान्य कीमत स्तर या मुद्रा स्फीति का जो है सिद्धांत पर, ये सभी इसका आंसर आप लोग का डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की समस्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, व्यापार चक्र कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी, व्यापार चक्र कहा जाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे समिष्ट उपकरण जो होगा ये क्या हो जाएगा, देखिए समिष्ट उपकरण जो होगा राजकोषीय नीति हो जाएगा, मौद्रिक नीति हो जाएगा, आय नीति हो जाएगा, इसका आंसर आप लोगों का प्यारे बच्चों उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। समिष्ट अर्थ आर्थिक चार प्रमुख बताइएगा, है ना, समिष्ट के अर्थ आर्थिक चार प्रमुख कौन कौन सा होगा, तो देखिये राष्ट्रीय आय हो जाएगा एंड राष्ट्रीय बचत और विनियोग हो जाएगा एंड समग्र मांग हो जाएगा, तो उपयुक्त में से सभी इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है, तो हम लोग जानते हैं इसमें जो होगा आपका कौन कौन सा होगा प्यारे बच्चों, तो देखिएगा सरकारी आर्थिक नीति की निर्धारण का बिल्कुल सत्य है, आर्थिक विकास हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तुलना है, यानी उपयुक्त में से सभी इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। सामूहिक मांग के निर्धारक तत्व कौन है, तो ये इसमें जो होगा आपका घरेलू क्षेत्र का उपभोग वे एंड सरकारी उपभोग का वे निवेश, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का प्यारे बच्चों डी सभी का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। पूंजीगत पदार्थ जो होगा कौन होगा बताइएगा, देखिए पूंजीगत पदार्थ की अगर बात किया जाए तो मशीन हो जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगा, औजार हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोगों का प्यारे बच्चों डी जो है परफेक्ट आंसर देंगे। किसने कहा औसत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग के वे एवं आय के किसी भी जो है विशेष स्तर का अनुपात है, तो वो हो जाएगा कुड़ीहारा, यानी बिल्कुल आप लोग राइट आंसर देंगे। किसने कहा औसत उपभोग की प्रवृत्ति एक विशेष आय स्तर पर जो उपभोग एवं आय का अनुपात है, तो हम लोग जानते हैं ये क्या हो जाएगा पीटरसन, यानी बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे देखिएगा किसने कहा कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाला परिवर्तन का अनुपात है, तो ये कुड़ीहारा के द्वारा कहा गया था प्यारे बच्चों, बिल्कुल इनको नोट कर लीजिएगा। आय के विभिन्न स्तरों पर जो है बचत तथा आय का अनुपात, यानी जो होता है यानी अनुपात क्या कहलाता है देर, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको जो है बचत प्रवृत्ति आय कहा जाता है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ओके चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया। किस वर्ष में जो भारत में 14 बड़े जो है अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो हम लोग जानते हैं 1969 में जो है यानी जो है राष्ट्रीय बैंकों का यानी ये किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। निवेश का निर्धारक घटक कौन से है, तो हम लोग जानते हैं इसमें जो होगा आपका यानी पूंजी की सीमांत क्षमता भी होगा, ब्याज दर भी हो जाएगा, यानी बिल्कुल इसका दोनों हो जाएगा, आपका आंसर सी होगा। अगर सीमांत उपभोग यानी प्रवृत्ति 0.5 एंड गुणांक क्या होगा, तो गुणांक की अगर बात किया जाए तो 2 इसका गुणांक हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, किन्स के अर्थव्यवस्था में न्यू मांग की दशा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है, तो हम जानते हैं अपूर्ण रोजगार संतुलन नाम से जो है इसमें पुकारा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। सीमांत उपयोग प्रवृत्ति निम्न में से जो कौन है, तो इसमें जो होगा त्रिभुज सी अपॉन त्रिभुज वाई, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। गुणात्मक साख नियंत्रक नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में से जो है किसे शामिल किया जाता है, तो इसमें जो शामिल किया जाता है ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन एंड शाख की जो है राशनिंग एंड प्रत्यक्ष कार्रवाई, बिल्कुल इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। डियर अब हम चलते हैं गैर प्राप्तियों में किसे शामिल किया जा सकता है, तो गैर कर प्राप्तियों में यानी किसे शामिल किया जा सकता है, तो यानी फीस लाइसेंस एम परमिट एंड जब्त संपत्ति दंड एम जुर्माना, तो इसका आंसर आप लोगों का प्यारे बच्चों डी आप सभी का आंसर परफेक्ट होगा। पूंजी प्राप्तियों के प्रमुख घटक बताइएगा, तो इसमें जो होगा आपका यानी ऋणों की वसूली, ऋण एवं उधार एंड सार्वजनिक उद्यमों के जो है अंश पत्रों का निवेश, ये बिल्कुल इसका आंसर आपको डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, विकासात्मक व्यय के अंतर्गत निम्न में से जो कौन आते हैं, तो हम लोग जो आते हैं शिक्षा भी आता है इसमें, स्वास्थ्य आता है, सामाजिक कल्याण आएगा, तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा मेरे डियर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, देखिये क्या कहलाता है 100 नंबर क्वेश्चन कहलाता है इसमें, यानी गैर विकासात्मक व्यय के अंतर्गत निम्न से कौन आते हैं, तो हम लोग आते हैं पुलिस आता है इसमें, कानून तथा व्यवस्था आता है, वृद्धावस्था पेंशन आता है, तो इसका आंसर आपका डी आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो मेरे डियर हाँ, मैंने अभी आपको 100 क्वेश्चन को यानी जो है प्रोवाइड किया था, और इन सभी 100 क्वेश्चन को आप लोग जो है बिल्कुल सॉल्व किए होंगे, और उम्मीद है कि आप लोग जो है इसमें से बहुत सारे बच्चे जो 50% जो है क्वेश्चन का आंसर जरूर दिए होंगे। अगर 50 क्वेश्चन आपका अगर यहाँ आप सॉल्व कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका जो है आप 50 में 50 वहां जो है मार्कशीट पर आप आराम से आसानी से फिल करके आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। डियर अगर आप लोग स्पेशल
इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव अगर नोट्स एंड विद ऑल सब्जेक्ट का आज के लिए आप लोग अगर ये 24 घंटा के अंदर आप ले लेते हैं तो मात्र आपको अभी जो है 149 में मिल रहा है, आपको ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएंगे। तो जो बच्चे ऑल सब्जेक्ट का अगर 149 में नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे किसी के माध्यम से आप पेमेंट करके उसका नोट्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। यहां से आपको जो है इस नोट्स की मदद से आपको जो है काफी हेल्पफुल होने वाला है। 9162055090। ठीक है तो डियर, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद भारत।